दोस्तों, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि YouTube पे प्रताप चंद्र सारंगी बहुत ही ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। YouTube पर ही क्या, इनका बहुत ही ज्यादातर भारतीय राजनीति में एक उभरता हुआ व्यक्तित्व है, चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं करंट जीके के हिसाब से या राजनीतिक दृश्य के हिसाब से। तो मैं आपको प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बताऊंगा, साथ में इनसे संबंधित जो राज्य है उड़ीसा, उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बनते हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, वो भी बताए जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं उड़ीसा के मोदी। उड़ीसा के मोदी के नाम से प्रताप चंद्र सारंगी जो एक आरएसएस के सदस्य हैं, एक साधारणी व्यक्तित्व के धनी हैं, उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपको बताते हैं। साथ साथ हम उड़ीसा राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनका भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा के बालासोर लोकसभा सदस्य प्रताप चंद्र सारंगी जो मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री पद पर शपथ लिया इन्होंने। अब सबसे पहले तो आपका ये सवाल बनता है कि ये कौन से राजनीतिक दल से हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो प्रताप चंद्र सारंगी है इन्होंने बीजू जनता दल के रविंद्र कुमार सेन को 12,956 वोटों से हराया है। यानी सवाल सबसे पहले आपको ये रखना है क्वेश्चन में कि प्रताप चंद्र सारंगी है वो कौन से राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, तो ये रखते हैं बीजेपी से, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने किस पार्टी के सदस्य को हराया है, बीजू जनता दल पार्टी के सदस्य को हराया है। प्रताप चंद्र सारंगी के प्रतिद्वंद्वी कौन थे, रविंद्र कुमार सेन। इसके साथ ही आपको यह याद रखना है, ये आरएसएस के सदस्य रहते हुए सारंगी उड़ीसा विधानसभा में 2 बार सदस्य रह चुके हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्य बने हैं पहली बार, लेकिन इससे पहले भी ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2009 में भाजपा से इनको टिकट मिला था, लेकिन वो किसी कारणवश कहीं खो गया था। तो इनका राजनीति में इतना वो था कि इन्होंने निर्दलीय पद पर विधानसभा चुनाव लड़ा और अपनी जीत दर्ज करवाई। तो निर्दलीय होते हुए भी इन्होंने, भाजपा सरकार ने इनको टिकट दिया था 2009 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इनका टिकट खो जाने के बाद इन्होंने निर्दलीय चुनाव भी जीतकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में ये 2 बार कब कब निर्वाचित हो चुके हैं। तो 2 बार, ये एक बार तो हुए थे 2004 में और एक बार हो गए 2009 में। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विधानसभा उड़ीसा की कौन से विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित होते हैं। तो नीलगिरी विधानसभा क्षेत्र है उड़ीसा का, वहां से ये निर्वाचित होती है और यही इनका जन्म स्थल है। दो हजार नौ और चार में ये विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए इनको उड़ीसा का मोदी कहा जाता है। उड़ीसा के लोकसभा चुनाव में, इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि ये उड़ीसा में लोकसभा सीट कितनी है। उड़ीसा में लोकसभा सदस्य की संख्या है 21 है, जिसमें से 8 सीट भाजपा को मिली है। यानी जो लोकसभा चुनाव अभी 2019 में हुए हैं, 19 मई तक, 11 अप्रैल से 7 चरणों में भारतवर्ष में लोकसभा के आम चुनाव हुए 19 मई तक, और इनका परिणाम आया था 23 मई को। तो उड़ीसा के लोकसभा सदस्यों में 21 में से 8 सदस्यों ने जीत दर्ज की है। प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म स्थान उड़ीसा के नीलगिरी जिले में स्थित है।